नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव, लोकसभा के दो निर्वाचन क्षेत्रों और 17 राज्यों में 51 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए आज शाम चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। मतदान सोमवार को होगा। केंद्र ने कहा वो नगर शांति प्रक्रिया बिना किसी विलंब के संपन्न कराने को प्रतिबद्ध। भारत और फिलीपींस हर प्रकार के आतंकवाद के सफाई के लिए मिलकर काम करने पर सहमत। ब्रेक्जिट समझौते पर ब्रिटिश संसद में आज मतदान। और खेलों में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज से रांची में। मलेशिया में सुल्तान जौहर कप के फाइनल में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला ब्रिटेन से। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव सहित लोकसभा के दो निर्वाचन क्षेत्रों और 17 राज्यों में विधानसभा के 51 क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता मतदाताओं को लुभाने के अंतिम प्रयासों में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019। बिहार में समस्तीपुर और महाराष्ट्र में 17 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव कराया जा रहा है। उधर विभिन्न राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव के तहत उत्तर प्रदेश में 11, गुजरात में 6, केरल और बिहार में 5-5, सिक्किम में 3, पंजाब और असम में 4-4, तमिलनाडु, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में 2-2, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, पुडुचेरी और अरुणाचल प्रदेश में 1-1 सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। सभी सीटों के लिए मतदान सोमवार को होगा। मतगणना इस महीने की 24 तारीख को कराई जाएगी। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में एलानाबाद और रेवाड़ी में चुनाव सभाओं को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। हरियाणा में चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। मतदान को निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए 57,000 पुलिस जवान और अधिकारियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 130 कंपनियां बुलाई गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं और वेबकास्टिंग भी की जाएगी ताकि मतदाता निडर होकर मतदान कर सकें। अश्विनी कुमार शर्मा, चंडीगढ़। उधर महाराष्ट्र में भी आज प्रचार का अंतिम दिन है। आइए सीधे बात करते हैं हमारी मुंबई संवाददाता से। जी प्रार्थना, प्रचार के अंतिम दिन मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों की आज क्या रणनीति रहेगी? हाँ जी लवली, जैसा कि आपने कहा कि आज शाम को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और यही वजह है कि सारी पार्टियां आज पूरे दमखम से मैदान में उतरने वाली हैं। हर प्रत्याशी की यही कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचा सके। एक तरफ शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे मान महाड़, श्रीवर्धन, उड़न तथा कर्जत निर्वाचन क्षेत्रों में रैलियां करेंगे, वहीं उनके बेटे आदित्य ठाकरे आज चांदीवली, बांद्रा तथा धारावी में शिवसेना उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह भी नंदुरबार जिले में के नवापुर में रैली करेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो नागपुर के दक्षिण पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, वे आज नागपुर में एक रोड शो करने वाले हैं। वहीं एनसीपी के प्रमुख शरद पवार और नेता अजीत पवार इंदपुर तथा बारामती में रैलियों को संबोधित करेंगे। लवली प्रार्थना, अगर पुणे की बात की जाए तो वहां प्रचार का क्या माहौल है? जी हाँ लवली, पुणे में आज बीजेपी के सारे 8 प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में बाइक रैलियां करेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल भी खुद आज कोथरूड में बाइक पर चुनाव प्रचार करेंगे। चंद्रकांत पाटिल कोथरूड सीट से ही चुनाव में प्रत्याशी हैं। पुलिस ने राजनीतिक पार्टियों को निर्देश दिया है कि वे रैलियों के लिए अलग अलग रास्तों का प्रयोग करें ताकि किसी हिंसक झड़प से बचा जा सके। लवली प्रार्थना, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। राज्य की 17 लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव कराया जा रहा है। यहां भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है।
सातारा सीट के जरिए पश्चिम महाराष्ट्र में खासकर सांगली, कोल्हापुर और सोलापुर जिलों में अपनी स्थिति और अधिक मजबूत करने की कोशिश बीजेपी की ओर से होगी, तो दूसरी तरफ एनसीपी के लिए ये लड़ाई अपना गढ़ साबित रखने के लिए अहम है, कारण पार्टी को पहले ही बागी उम्मीदवारों के कारण भारी नुकसान पहुंचा है। सातारा के एनसीपी के सांसद उदयन राजे भोसले ने इस्तीफा देकर भाजपा में प्रवेश किया, इसके कारण ये उपचुनाव हो रहा है। भाजपा को अपनी बढ़ती ताकत और भोसले की लोकप्रियता पर उम्मीद है, जबकि एनसीपी के पास अध्यक्ष शरद पवार का वलय एकमात्र आधार है। उदयन राजे के चचेरे भाई शिवेंद्र राजे इस बार विधानसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मनोज क्षीरसागर, पुणे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 11 सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार चरम पर है, मतदान सोमवार को होगा। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल 3 रैलियों को संबोधित किया और कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कर रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज रामपुर में पार्टी प्रत्याशी तंजीम फातिमा के पक्ष में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी अलीगढ़ में जनसभा करेंगे। कई स्थानों पर कल मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें वोटरों ने शत प्रतिशत मतदान का संकल्प लिया। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने रामपुर और जलालपुर को छोड़कर बाकी सभी 9 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र ने कहा है कि वो नगर शांति वार्ता प्रक्रिया बिना किसी विलंब के संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और नगर शांति वार्ताकार आरएन रवि ने कल कोहिमा में नगर सोसायटी के प्रमुख पक्षों से विस्तार से परामर्श किया। सरकार के साथ हुई सहमति के बाद नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड आइजेक मोइवा गुट के कुछ नेताओं द्वारा बेबुनियाद आशंकाओं को लेकर लोगों को गुमराह किए जाने को देखते हुए ये बैठक बुलाई गई थी। बैठक में कहा गया है कि सरकार को आशा है कि सभी पक्ष लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने पर ध्यान देंगे और समयबद्ध रूप से वार्ता संपन्न कराने में सहयोग देंगे। भारत और फिलीपींस ने हर प्रकार के आतंकवाद के सफाई के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो ड्यूटेर्टे के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत के बाद जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, दोनों देश आतंकवाद के शिकार रहे हैं। Both our countries have been victims of terrorism. As you know, India has been the target of cross-border terrorism for decades. We committed to work closely to defeat and eliminate terrorism in all its forms and manifestations. श्री कोविंद ने फिलीपींस के साथ अंतरिक्ष कार्यक्रमों में सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों देशों के बीच सुरक्षा, समुद्री सहयोग, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोक सेवकों से स्वच्छ भारत, प्रति बूंद भरपूर फसल और कुशल भारत जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि विकास का लाभ सर्वाधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए। दिल्ली में एक समारोह को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान सामाजिक बदलाव का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें लोगों की सक्रिय भागीदारी से आशा से अधिक परिणाम मिले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत स्वदेशी हथियार प्रणाली विकसित करने में भारतीय रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने के लिए सेना से सहयोग की अपील की है। रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर में चुनौतियों से निपटने में अन्य सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों के तालमेल में सेना की भूमिका की भी सराहना की। उत्तर प्रदेश सरकार ने कमलेश तिवारी हत्याकांड की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की कल लखनऊ में 2 अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी। राज्य के पुलिस महानिदेशक OP सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पुलिस को इस मामले में CCTV सहित कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और अपराधियों को शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। वरिष्ठ IPS अधिकारी अनूप कुमार सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उनके पदभार संभालने की तारीख से उनकी नियुक्ति मानी जाएगी और वे इस पद पर 30 सितंबर 2020 तक रहेंगे। उपभोक्ता मामलों तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार मदर डेयरी ने टमाटर 55 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर सहमति जताई है।
अंतर मंत्रालय समिति की कल नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें प्याज, टमाटर और दालों के मूल्यों, इनकी उपलब्धता की स्थिति तथा आपूर्ति बढ़ाने की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि अधिकतर राज्यों में टमाटर के भाव सामान्य हो गए हैं तथा मध्य प्रदेश में भी टमाटर की आवक शुरू हो गई है। इससे टमाटर के भावों में तुरंत कमी आएगी। ब्रिटेन की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेष सत्र में आज प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के ब्रेग्जिट समझौते के ताजा प्रस्ताव पर बहस और मतदान किया जाएगा। 650 सदस्यों के हाउस ऑफ कॉमन्स में जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी के 244 सदस्य हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी को दूसरे दलों के समर्थन की आवश्यकता है। अगर हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य समझौते को रद्द कर देते हैं तो प्रधानमंत्री को यूरोपीय संघ से निकलने के लिए 3 महीने का और समय लेना होगा। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। 5 दिन के फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेले में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग का स्टॉल आकर्षण का मुख्य केंद्र है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लोक संपर्क संचार ब्यूरो ने मल्टीमीडिया प्रदर्शनी भी लगाई है। इसके तहत आज ऐतिहासिक डांडी यात्रा के प्रतीक स्वरूप मार्च सहित विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भारत 91वीं इंटरपोल महासभा की 2022 में मेजबानी करेगा। इससे पहले चिली के सांतियागो में कल इस आशय के एक प्रस्ताव को सदस्य देशों का जोरदार समर्थन मिला। इंटरपोल के महासचिव जुर्गेन स्टॉक ने यह प्रस्ताव नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस वर्ष अगस्त में अपनी भारत यात्रा के दौरान दिया था। विश्व के विभिन्न देशों के वित्त मंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए संचित धनराशि दुगुना किए जाने पर सहमति व्यक्त की है ताकि इसका उपयोग संकटग्रस्त देशों की मदद में हो सके। लेकिन बड़े देशों के वित्त मंत्रियों ने प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अधिक वोट देने का अधिकार देने से इंकार किया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज से रांची में शुरू होगा। कुलदीप यादव बाएं कंधे में दर्द की वजह से टीम में शामिल नहीं है। उनकी जगह झारखंड के स्पिन गेंदबाज शाहबाज नदीम को टीम में शामिल किया गया है। श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल सुबह 9 बजे से राजधानी चैनल, एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर उपलब्ध रहेगा। मलेशिया में 9वें सुल्तान जौहर कप के फाइनल में आज भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला ब्रिटेन से होगा। इससे पहले कल अपने फाइनल राउंड रॉबिन मैच में भारत और ब्रिटेन के बीच मैच 3-3 गोल की बराबरी पर रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद लवलीन। टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF का ये फैसला कि ग्रे सूची में ही रहेगा पाकिस्तान, दैनिक ट्रिब्यून सहित सभी अखबारों में है। पत्र लिखता है, पाकिस्तान को वित्तीय मदद नहीं मिलने से अब उसकी आर्थिक स्थिति और जर्जर हो सकती है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत का ये बयान कि भारत अपने पड़ोस के साथ साथ व्यापक क्षेत्र में शांति और स्थिरता का पक्षधर है, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र ने लिखा है, सेना प्रमुख बोले, किसी भी खतरे से निपटने के लिए दोस्तों के साथ सहयोग जारी रखेंगी। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में आरोप पत्र दायर होने को जनसत्ता में पहली खबर बनाते हुए लिखा है कि चिदम्बरम की न्यायिक हिरासत की अवधि 24 तारीख तक है। सैनिक स्कूल में अब लड़कियां भी पढ़ेंगी, हिंदुस्तान में प्रमुखता से है। पत्र ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से लिखा है कि मिजोरम में चलाई गई ये पायलट योजना सफल रही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव, लोकसभा के 2 निर्वाचन क्षेत्रों और 17 राज्यों में 51 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए आज शाम चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। मतदान सोमवार को होगा। केंद्र ने कहा वो नगर शांति प्रक्रिया बिना किसी विलंब के संपन्न कराने को प्रतिबद्ध। भारत और फिलीपींस हर प्रकार के आतंकवाद के सफाई के लिए मिलकर काम करने पर सहमत। ब्रेग्जिट समझौते पर ब्रिटिश संसद में आज मतदान। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज से रांची में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।